सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे होम पेज पर जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे गूगल सर्च करेंगे, उसमें RHS लिखेंगे। RHS की फर्स्ट वेबसाइट जो आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, इस वेबसाइट को आप जल्दी से ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हो। ऑफिशियल वेबसाइट के आप आने के बाद आप मेरे साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे क्विक लिंक पे जूम करके दिखाया मैंने। यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल के नाम से दिखता है, जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पॉपअप में रेड कलर में शो कर रहा है, ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। इस पोर्टल पर जाके आप इसको ओपन करने वाले हो। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जहाँ पे आपको कुछ पैनल्स दिखाई देंगे जो तीन चार तरह के हैं। ये पैनल्स अब आप देख सकते हैं। सबसे पहला पैनल है यूनिवर्सिटी पैनल, उसके बाद आपका कॉलेज पैनल, उसके बाद स्टूडेंट पैनल। स्टूडेंट पैनल के जस्ट नीचे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप स्टूडेंट पैनल को ओपन करते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ से आप इसको ओपन करने के बाद जैसे ही देख सकते हैं, आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से। इसको आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें आप आपको फैकल्टी, एग्जाम, कोर्स, आपकी कौन सी ईयर्स है, ये वगैरह सब आप डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें नर्सिंग का फिल करना है तो सबसे पहले हम नर्सिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, मेन एग्जाम, रिवोल्यूशन एग्जाम, तो आपका मेन एग्जाम है। कोर्स को सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा कोर्स है। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, जैसा कि BSc नर्सिंग, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट क्लास में आप देखोगे कि आपकी कौन सी ईयर्स है। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बनने वाले हैं तो आप फर्स्ट ईयर का देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो इसको कर देते हो प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने नया होम पेज खुल के आता है, जहाँ आपको स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ये नंबर आपको अपनी कॉलेज से मिलता है। आप अपने कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं और आपको ये नंबर जरूर मिल जाएगा वहाँ पे। कॉलेज से आप ये नंबर लेके यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में आपको सिर्फ दो लेटर लिखने हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो किसी का नाम राम है तो उसको स्टार्टिंग के दो लेटर R और A लिखना है, ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब कॉलेज से आप ये नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके साल, आपने कौन सी साल में किया है, और आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर टाइप ओके लिखा है। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं। आपको यहाँ जैसे ही मैं इसको फिल कर देता हूँ, फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा, जहां आपका नाम, आवेदक का नाम, आपको पूरा फॉर्म आपके सामने खुल चुका होगा। इसमें आप सभी डिटेल्स को भर सकते हो जो आपको डिटेल्स आवश्यक हैं, जैसे आपका नाम क्या है, पता क्या है, सब कुछ ये डिटेल्स के साथ आप यहाँ से भर सकते हो। ये ओपन होने के बाद आपके स्टेप सेकंड टू और स्टेप थर्ड फोर्थ में आप जा सकते हो, जहाँ से ये फॉर्म जैसे ही आप नीचे की तरफ सबमिट कर देते हो क्लिक करने के बाद। यहाँ आपको अपना फोटो और साइन भी अपलोड करने होते हैं, जिनका साइज, फोटो का साइज 300 KB है और आपके साइन का साइज 100 KB से कम है। इसके बाद आप जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं तो स्टेप टू में आपके सामने कुछ इस तरह से आता है। अगर आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ ईयर के हो तो आपको ये ऊपर वाला परफॉर्मर सेकंड से फर्स्ट ऊपर जो डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट लिखी है, इससे ऊपर आप को भी भरना होता है। जो आप, अगर आप फर्स्ट फर्स्ट ईयर से हो तो आपको ये भरना नहीं होता। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने सीधा ही कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, जो इस तरीके का होगा। उसके बाद स्टेप फोर्थ में आपको देख सकते हो, स्टेप फोर में आपका पेमेंट आता है। जो पेमेंट आप डायरेक्ट, पेमेंट करने के लिए आप यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने सीधा पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। एक बार अपना फॉर्म आपने देख लिया होगा कि ऑलरेडी सब कुछ सबमिट किया गया था, अगर नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद ही पेमेंट करना। पेमेंट का आपको सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट को ओपन करते हैं सीधा पेज पर आते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अपना पेमेंट की स्लिप से आप फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी अपन जानते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण नोट्स में आपको दिख रहा होगा, जिसको मैं रेक्टेंगल फॉर्म में मैंने एक ब्लॉक में बंद कर रखा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। आपके अपने फॉर्म की प्रिंट निकालने के लिए भी हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होने के बाद। आप देख सकते हैं इसको अपन कहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट पे प्रिंट
वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, जिसकी मर्चेंट आईडी आपके पास होगी, जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं वो ही मर्चेंट आईडी होती है जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे। इसके लिए आपको वापस से आना है, वापस से यहाँ पे आपको देखना है वेरीफाई पेमेंट प्रिंट आउट पे। यहाँ से आप सीधा फॉरम एग्जाम वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एग्जाम पे क्लिक करोगे, यहाँ अपनी ईयर्स, आप एनरोलमेंट नंबर और आपकी मर्चेंट आईडी डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म खुला आएगा कि आपने कौन सा फॉर्म भरा हुआ है। इस तरह से आपका पूरा ट्रांजेक्शन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।